بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن हाँ, नींद में डर के इस तरह उठ जाना। हाँ जी, कुछ नहीं, कुछ लोगों को तो डीप नींद आई नहीं होती, डीप स्लीप में नहीं गए होते हैं, मेडिकली तो हम उसे ये कहते हैं, तो उसका नींद का साइकिल टूट जाता है। अभी वो कुछ कच्चा पक्का होता है तो वो डर जाता है एकदम से, छोटा बच्चा कर रहा होता है इस तरह। लेकिन बेसिकली मासूम बच्चे तो ज़्यादा इनमें ये होता है, अल्लाह के बहुत करीब चले जाती हैं रूहें, अल्लाह जलाल भी है। ठीक है, जो लोग बहुत बड़े लोगों में, तो जो लोग बड़ाई तस्बीह बहुत कर रहे होते हैं, उनमें से कई लोग जब ओवरडोज हो रहे होते हैं, उन्हें ये हो रहा होता है, उन्हें मैं मना कर देता हूँ, बल्कि उन्हें वो फ़ोन ही ये करते हैं कि डॉक्टर साहब मैं तो पहले ही डरता था, नींद में डर के उठ जाता था या उठ जाती थी, दिन रात में 3 बार ऐसे होता था, 4 बार, बल्कि मुझे कोई जगाता था तहज्जुद के वक्त। ठीक है, अब मैंने सूरह रहमान आपके कहने पे सुनी है, फलाने की आपकी वीडियो देखी थी, डॉक्टर साहब मेरा तो दिन को भी डरी जा रही, मेरे हार्ट बीटिंग तेज़ हो जाती है, ये हो जाती है, तो ये क्या हो रहा है? सूरह रहमान उसे फर्दर जो ही वो ध्यान उधर उसकी कनेक्शन उसका वहाँ लगता है, वो ऑलरेडी उबले हुए दूध को वो दोबारा चूल्हे पर रखते हैं तो वो छलांगे मारता है, उसको समझ नहीं आती कि इसने दूध रखा है तो वो तो नहीं कर रहा, तो वो ठंडा दूध है। ठीक है, तो ऑलरेडी हर एक की एक कैपेसिटी है, तो वो जिस जगह जा रहा होता है, आप सोते में कह रहे हैं, मुझे बैठे में थोड़ा सा ऐसे नहीं होता। ठीक है, बहुत से लोगों को होता है, वो इसे कहते हैं कपकपी सी कहते हैं शायद, झुरझुरी। ठीक है, झुरझुरी आना, आसान लफ्ज़ों में, ताकि हमारा दिमाग भी ख़राब ना हो, तो आसान लफ्ज़ों में कब्र याद करती है। ठीक है भाई, कब्र याद आ जाती है ना, खौफ याद आ जाता है, खुदा याद आ जाता है। ठीक है, तो बेसिकली आपकी उस तार उस फ्रीक्वेंसी को टच करती है, तो वो आप पूछ सकते हैं, ख्याल में भी आप असल खेल ही ख्याल कर, तो वो छोटा बच्चा जो मासूम है वो वैसे ही सोते में उसकी नींद जैसे भी हो तो बिल्कुल ही अल्लाह के करीब होता है, प्योर रूह होती है। फिर अगर ऑलरेडी जिसे कहते हैं फैज़ आ रहा हो बाबों से, माँ बाप को मल्टीपल बाबों के पास जाने का शौक़ हो और जाते हो, वो पीप ला के आ जाते हो, ठीक है, वो बच्चे ने भी ऑब्जॉर्व करनी होती है। ठीक है, एक बंदा है वो सिर्फ कूटा लेबॉर्ट्री में जाता है, वापस आ जाता है, वहाँ अपना गियर पहनता है, जो थोड़ी बहुत रेडिएशन है उसको वो एक्सपोज होता है, वापस आ जाता है। एक जड़ा वो खान रिसर्च लेबॉर्ट्री भी जाता है, कूटा भी जाता है, फिर इन मोल अस्पताल दी न्यूक्लियर लैब च भी चले जाता है, फिर वापस आंदा आंदा PIC दे भी न्यूक्लियर मेडिसिन का दौरा कर आंदा है। ठीक है, तो उसके कपड़ों को रेडिएशन ज़्यादा लगी होती है, तो डॉक्टर साहब पता नहीं मेरा पानी बड़ा कड़वा है, तो पानी दे कड़वा होना ही है, रेडिएशन जो ओवरडोज हुई हुई है। ठीक है, वो फ़र्क आ जाता है, पीनी उतनी चाहिए बर्दाश्त हो। ठीक है, خلق الإنسان